ऑल राइट गाइस, तो वन पीस 1128 ऑफिशियली रिलीज हो चुका है एंड इस एंटायर चैप्टर की सबसे बेस्ट बात तो ये है कि अब हमें द रियल सन गॉड से लड़ने को मिला। यहाँ लिटरली लूफी गियर 5 में ट्रांसफॉर्म हुआ एंड मिलके उनने सन गॉड से लड़ा, जिसकी आइडेंटिटी अभी रिवील नहीं करी गई है। एंड जिस जगह पे करेंटी ट्रोहेट है वो एक अलग ही इल्यूजन टाइप की है, जो कि बहुत सारे सवाल खड़ी कर रही है। सो आइए बिना किसी देरी के हम वन पीस 1128 के चैप्टर रिव्यू के ऊपर बढ़ते हैं। अब इस चैप्टर का कवर पेज हैरी पॉटर फैंस को बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है, क्योंकि हमें यहाँ पे लिटरली पूरा एंटायर क्रू हैरी पॉटर के आउटफिट में ही दिखता है। इस चैप्टर की शुरुआत होती है जहाँ पे सांजी नामी को उस टाउन से नीचे उतार रहा होता है एंड वहाँ पे वो ये देखते हैं कि ये पूरा एंटायर टाउन लेगो सिटी का बना होता है, जहाँ पे हमें नाम सांजी, लूफी एंड ज़ोरो दिखाई देते हैं। जहाँ पे ज़ोरो ये कहता है कि मैं तो जब यहाँ पे पहुंचा, जब मुझे लूफी की आवाज सुनाई दी, जब उसने उस जायंट कैट को डिफीट कर दिया था। जहाँ पे लूफी ये कहता है कि उसोप को उस जायंट कैट को अपने आप ही हरा देना चाहिए था, बट यहाँ पे उसोप ये कहता है कि मैं बिल्कुल डरा हुआ था क्योंकि मैं जस्ट ही तो उठा था। यहाँ पे उसोप कमेंट करता है कि ये एल्बाफ नहीं है, क्योंकि अगर एल्बाफ अगर होता तो यहाँ पे जो आउटफिट है जायंट की वो इतनी नॉर्मल साइज की नहीं है। स्ट्रॉ हैट ये डिसाइड करते हैं कि वो बाहर जाएंगे एंड लोगों से पूछेंगे कि यहाँ पे चल क्या रहा है। जब वो टाउन की तरफ बढ़ रहे होते हैं तो वहाँ पे उन्हें एक नॉर्मल इंसान जैसे बियर्ड वाले इंसान से मिलता है, जो कि एक ग्रास ऑपर को राइड कर रहा होता है। बियर्ड वाला गाय ये पूछता है कि क्या तुम लोग यहाँ पे नए हो, दिस इज द लैंड ऑफ द गॉड्स। यहाँ पे अलग अलग गॉड है, द ईयर गॉड, रैबिट, द स्पाइक गॉड, हेडबर्ग एंड द इसक गॉड, द रूल ऑफ द कासर। यहाँ पे वो इंसान ये भी बताता है कि जो ईयर गॉड है वो अभी अभी इस टाउन के बाहर खत्म हुआ है एंड लूफी एकदम से कहता है माय बैड, बट उसोप लूफी के माउथ को कवर कर देता है क्योंकि लूफी कुछ ज्यादा ही बोल देता है। वहां पे ज़ोरो एंड नामी सांजी उस रैबिट को छुपा रहे होते हैं जिसको लूफी ने अभी अभी मारा है। जहां पे वो इंसान ये कहता है कि अगर तुम लोग भूखे हो तो तुम यहां पे खाना मिल सकता है, बट तुम लोग इस कासल के दूसरे साइड नहीं जा सकते। लूफी कहता है क्यों नहीं जा सकता। तब वो इंसान ये बताता है कि वहां पे एक सन गॉड टेंपल है एंड वो एक बहुत ही ताकतवर इंसान की जगह गार्ड किया गया है, तो जो भी इंसान वहां पे जाता है वो कभी भी वापस लौट के नहीं आता है। नामी कहती है कि इस तरीके से फ्रेश मत करो, लूफी को इंटरेस्ट आ जाएगा। अब जैसे ही वो वियर्ड वाला गाय ये सब बता रहा होता है, लूफी एंड ज़ोरो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं एंड अब उस टेंपल को वो विजिट करना चाहते हैं। जहां पे सांजी ज़ोरो को मना करता है, वो कहता है कि तू हमेशा लूफी की धुन में धुन क्यों हो जाता है, एंड लूफी एकदम से उस टेंपल की तरफ भागने लगता है। बट एकदम से चीज ये नोटिस करता है कि रोड इतनी लंबी है, सिटी इतनी वाइड है, ये हो क्या रहा है, एंड एकदम से वो एक दीवार पे जाके भिड़ जाता है। जब वो ये नोटिस करता है कि जो ये सिटी है, जो ये स्काई है, वो सब एक मिरर का रिफ्लेक्शन है, जहां पे जो नॉर्मल लोग होते हैं उस सिटी के वो कंप्लीटली शॉक हो जाते हैं, वो ये बिलीव नहीं करते कि लूफी ने लिटरली स्काई को ही क्रैक कर दिया। बट उन लोगों को ये मालूम पड़ता है कि ये सिर्फ एक केज है, ये जितने भी लोग हैं यहाँ पे लूफी के अलावा वो सब एक एंटायर बहुत ही बड़े केज में बंद है एंड उस केज के बाहर बहुत ही बड़ा फर्नीचर रखा गया है जहाँ पे डॉल्स एंड वहाँ पे अलग अलग चीजें हैं, जिससे ये मालूम पड़ता है कि ये लोग एज अ पेट रह रहे हैं उनके यहाँ। जहाँ पे नामी ये कहती है कि चल क्या रहा है, जहाँ पे सांजी ये कहता है कि ये जायंट ओट्स दूसरी साइड रहते हैं, हम उनकी जब एक पेट की तरह हैं। नामी कहती है ये नहीं हो सकता एंड एकदम से एक मिस्टीरियस पर्सन की आवाज आती है एंड वो ये कहता है कि ये सारी नॉइजेस क्या है, क्या तुम मेरी साइड हो हेल्प करने के लिए। बट वो मिस्टीरियस गाय और कोई नहीं होता, वो होता चॉपर ही है। जहाँ पे वो रो रहा होता है एंड वो कहते हैं कि मैं बहुत ही भूल ही गया था ये सब क्या चल रहा है, बट नामी उसको गले लगा लेती है एंड कहती है कि डोंट वरी क्योंकि तुमने मुझे ढूंढ लिया है। जब ये सब चल रहा होता है, जब वहां पे उसोप एंड ज़ोरो एग्जामिन कर रहे होते हैं उस पूरे एंटायर फर्नीचर को उस आउटसाइड की, चल क्या रहा है, ज़ोरो ये कहता है कि बाहर की दुनिया बहुत ही बड़ी है एंड यहाँ की दुनिया बहुत छोटी है, इट मींस कि हम लोग वहां के सिर्फ एक डॉल है एंड यहाँ पे जो भी ये बंदा है वो हमारे लिए कपड़े बनाता है। अब यहाँ पे स्ट्रॉइड पूरे एरिया को एग्जामिन कर रहे होते हैं, जहां पे उन लोगों को ये समझ में आती है कि जो आउटसाइड ऑफ द केज है वो है द सन गॉड टेंपल एंड ज़ोरो ये कहता है कि जो भी लोग टाउन के इस तरफ रहते हैं वो सडनली उस सन गॉड टेंपल बंदे के गुलाम या फिर पपेट हैं। एंड एकदम से आसमान में दो जायंट एनिमल अपीयर होते हैं, एक तो जायंट स्नेक एंड एक जायंट पिग, जहां पे लूफी एंड ज़ोरो वहां पे फाइट करने लगते हैं। बट इन्हीं सब के बीच में हमें उस रूम के बाहर एक सन
गॉड वहां चलता हुआ दिखाया जाता है, जिसका फेस करेंटली अभी कवर है। एंड उस रूम डोर के अंदर एग्जैक्ट सिंबल बना होता है, जहां पे जैसे ही वो सन गॉड वहां पे स्मोक एंड धुएं को महसूस करता है, एंड जैसे ही वो वहां पे जाता है वो ये देखता है कि लूफी ने हर एक चीज को डिस्ट्रॉय कर दिया है एंड उस एनिमल को भी हरा दिया। लूफी गियर 5 में ट्रांसफॉर्म होता है, जहां पे वो गुमगुमनू पिस्टल से उस जायंट्स ने को हरा देता है और ऑन दी अदर हैंड ज़ोरो उस दूसरे वाले को हरा देता है। अब यहाँ स्ट्रॉ हेड एक दूसरे रूम पे पहुंच जाते हैं ताकि वो सन गॉड से दोबारा एनकाउंटर कर पाए, बट उनको वहां पे एक बहुत ही ज्यादा बड़ा एनिमल दिखाया जाता है जो कि इसकार्ट होता है, जो कि एक और गॉड है एंड वो बहुत ही ज्यादा एंग्री होता है। जहां पे नामी चॉपर को एक मैप दिखाती है जिसने फाउंड किया है, जहां के नेक्स्ट पेज में हमें ये दिखाया जाता है कि एंटायर स्ट्रॉ हेड उसके ऊपर राइड कर रहा है एंड सन गॉड उसको चेस कर रहा है। जो टाउन के पीपल है वो कम्प्लीटली शॉक हो चुके, जहां पे सन गॉड ये कहता है कि तुम ये कैसे कर सकते हो, जहां पे नामी ये कमेंट करती है कि अगर हम डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन में चलेंगे तो हम उस मिरर को शेटर करके दूसरी साइड पहुंच जाएंगे। एंड लूफी कहता है बिल्कुल इस टाउन के बाहर चलो, एंड सन गॉड उसकी तरफ जा ही रहा होता है एंड सन गॉड कहता है कि तुम ये नहीं कर सकते। एंड इसी के साथ वन पीस यहीं खत्म हो जाता है, आई मीन वन पीस 1128 का चैप्टर। बट डेफिनेटली आई कैन से कि सन गॉड की जो आइडेंटिटी है वो बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है, बट स्टिल हमें आगे आगे पता लग जाएगा। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली, क्या एल्बाफ इसी तरीके से है शेंक्स की टेरिटरी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आई होप कि आगे जाके ओडा इन सब सवालों का आंसर देने ही वाला है डेफिनेटली। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब, अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही वन पीस की रिव्यू बनाता रहूं। ना गाइस, मैं मिलता हूं वन पीस के एक और ऐसी वीडियो के ऊपर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई सी यू इन द नेक्स्ट वन। पीस।